हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में नोवार द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में स्टेट फोकस पेपर 2024-25 का विमोचन किया। स्टेट फोकस पेपर के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक हरियाणा की ऋण भुगतान में कैश डिपॉजिट की दर 84% है, जबकि यह दर राष्ट्रीय स्तर पर 60% निर्धारित है। वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा में कृषि क्षेत्र ने 8.1% की विकास दर दर्ज की है, जो देश में सबसे अधिक में से एक है। आज नाबार्ड द्वारा आयोजित हमारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार जो हरियाणा प्रदेश के लिए है वो आयोजित किया गया। इसमें हमारे यहाँ पर नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी, आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी और हमारे एसएलबीसी के संयोजक जो हैं पीएनबी से और बहुत सारे बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। और इस सेमिनार का मकसद यह है कि किस किस क्षेत्र के अंदर पूंजी का प्रवाह बढ़ाया जाए, कैसे प्रदेश की इकोनॉमी को इंक्लूसिव ग्रोथ करके आगे बढ़ाया जाए, बहुत विस्तृत इस पर चर्चा हुई। और इस साल का जो हमारा स्टेट फोकस पेपर 2024-25 का, इसको भी हमने अनवील किया और हरियाणा के लिए 2,27,821 करोड़ रुपए की ऋण वितरण की संभावना बताई गई। और ये खुशी की बात है कि जो हमारी रेशो थी डिपॉजिट और लोन की, हरियाणा उसमें बहुत अच्छी स्थिति में है, देश से ऊपर है। और मैंने छोटे छोटे विषय आज उठाए कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान के प्रोडक्ट को रॉ बेचने की बजाय ऐसी नीतियां हम बनाएं कि उसमें प्रोसेसिंग हो, सेमी प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो। और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो परंपरागत कृषि की बजाय फ्लोरिकल्चर का है, फिशरी का है, भेड़ बकरी पालन का है, पिगरी का है या दूध के प्रोडक्ट बनाने का है, इस तरह के कारोबार की तरफ किसानों को, गांव में रहने वाले लोगों को ट्रेनिंग दें, उनको क्रेडिट दें, लोन दें। और ख़ासकर जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले, उनको अगर भेड़ बकरी दे करके हम आत्मनिर्भर कर सकते हैं, इस दिशा में हरियाणा सरकार पूरा सहयोग दे रही है। और हमारे बैंक जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा उनसे और भी बेहतर काम करने की है। और हमारी कोशिश यह है कि सारा वर्ग एक साथ तरक्की करे, गांव में रहने वाला आदमी, गरीब से गरीब आदमी, वो भी ये समझे कि ये जितने भी बैंक हैं ये उनके लिए हैं, ये बैंक में जो पैसा है उनकी उत्थान के लिए, उनके जीवन दशा सुधारने के लिए है, ये भाव उनके अंदर हो, इस तरह की सेवा हम उनको करें। तो मुझे भरोसा है कि आने वाले वक्त में इसी तरह की योजनाएं बना करके हरियाणा देश में तेज़ गति से विकसित होगा, पूरा राष्ट्र विकसित होने जा रहा है 2047 में, उससे पहले हरियाणा देश का पहला प्रदेश होगा जो एक विकसित प्रदेश होगा और दुनिया के किसी भी विकसित देश के मुकाबले में टक्कर दे पाएगा।